गाइस वेलकम बैक टू माय पूजा रेडियो चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ लामनिंग टू लंका। तो सबसे पहले मैं बता दूँ गाइस, मैं 11:20 को मेरा ट्रेन था तो हम लोग स्टेशन गए। उसके बाद मुझे पता चला कि 1 बजे ट्रेन है और ट्रेन हमारा लेट है, तो हमें पहुँचना था जल्दी जल्दी लंका। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग टेम्पो से चले जाए, क्योंकि सुबह जो बस है वो तो चला गया था, वो मिस हो गया था। उसके बाद ट्रेन भी हमारा लेट था तो हमें जाना था बहुत इमरजेंसी काम से। इसीलिए मैं और मनोज सोचे कि कालीबाड़ी से हम लोग टेम्पो ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग ले लिए मैजिक गाड़ी जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए। इसका भाड़ा 80 रुपये करके है। तो उसके बाद मैं और मनोज जो है ले लिए यहाँ पे टेम्पो। उसके बाद हम लोग चले जा रहे हैं अभी लंका। तो मेरा लामनिंग टू लंका का जर्नी जो है वो हाईवे से था, और कैसा जर्नी था मेरा आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तब भी आप लोगों को समझ आएगा। बहुत ही बड़ा हेडेक भरा दिन था, मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरा जो मतलब तबीयत है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं इतना जर्नी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ट्रेन से फिर भी मैं कर लेती हूँ, गाड़ी से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मनोज जो है उनको भी सर में चक्कर आ रहा था, उनको उल्टी जैसा लग रहा था, क्योंकि हम लोग उल्टे साइड में बैठे थे। दो साइड जो है मैजिक गाड़ी में सीट होता है, तो उल्टे साइड बैठने से हम लोग को मतलब सिर में जो चक्कर आने लगता है। तो अब मैं सफ़र इन्जॉय करती हूँ और आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और जैसे मैं लंका पहुँचती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस तो अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं लंका। जैसे मैं लंका पहुंची यहाँ पे देख सकते हैं बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, यहाँ पे सब कुछ आपको मैजिक गाड़ी वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सामने है। और आपको सामने है जो है टमटम भी मिल जाएगा जहाँ पर आप लोगों को जाना है। और टमटम का भाड़ा जो है 1 जन का 10 रुपये करके, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए ऑफिस जहाँ पर हमें जाना था। और हमें पता नहीं था कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो सामने है, क्योंकि लंका में फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और मुझे नहीं पता। इसलिए मैं जहाँ पे मैं और मनोज को हमें पता नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने टमटम ले लिया। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग किसी से पूछ के भी आप लोग जा सकते हैं। तो भाड़ा ज़्यादा नहीं था, 10 रुपया था, इसलिए हम लोग चले गए। उसके बाद हमारा जहाँ पे हम लोग गए वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था मैं आप लोग को बता नहीं सकती। उसके बाद हमारा काम जो है 3-4 घंटे का वहाँ पे हम लोग का काम था, जो थोड़ा बहुत काम हुआ घूम घूम के इधर उधर पूछ पूछ के हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारा फिर से आना पड़ गया, क्योंकि आधा काम हुआ आधा काम बाकी था बिल्कुल, और काम जो है हुआ ही नहीं था। उसके बाद मनोज जो है कह रहे थे कि चलो हम लोग घर चले जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर से आएंगे। और आज 8 दिसंबर आज मुझे एक शादी भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग घर चले जाएं।
उसके बाद मनोज को भी जाना था घर जल्दी जल्दी, इसलिए हम लोग सोचा कि हम लोग ट्रेन से चले जाते। ट्रेन जो है 1:30 को था, तो उसे हमने सोचा कि हम लोग ट्रेन से चले जाते। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, हम लोग सोचा कि ट्रेन आ जाएगा, हम लोगों ने देखा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत बैठे। बैठने के बाद मनोज जब चेक कर रहे थे ट्रेन, तो नेटवर्क की वजह से ट्रेन जो है नहीं दिखा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो हम लोग इंक्वायरी से पूछ लेते हैं कि ट्रेन कब आएगा नहीं आएगा, नहीं को बैठ के कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद मनोज ने कहा कि ठीक है चलो इंक्वायरी से पूछ लेते हैं। उसके बाद मनोज ने फिर भी बोला कि एक बार चेक कर ली थी, उस बार फिर से मनोज ने एक बार चेक किया, तो चेक करने के बाद बता रहा था कि वो ट्रेन है ही नहीं। तो उसके बाद हम लोग फिर से इंक्वायरी चले गए। इंक्वायरी जाने के बाद हम लोग इंक्वायरी से पूछा, तो वो भैया बोल रहे थे कि 5 बजे ट्रेन है, उससे पहले कोई ट्रेन नहीं है लंका से लामडिंग जाने के लिए। तो हम लोग सोचे कि इतना टाइम तक हम लोग क्यों रेलवे स्टेशन में बैठे रहे। तो उसके बाद हम मुझे शादी भी अटेंड करना था, तो इसलिए हम लोग सोचा कि जैसे हम लोग बाय रोड से आए इसलिए बाय रोड से फिर वापस घर चले जाते। तो निराशाजनक हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल गए मुँह लटकाते हुए, क्योंकि मुझे ट्रेन से जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मनोज को भी ट्रेन से जाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे गाड़ी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम लोग फिर से ले लिए एक टमटम बस स्टैंड जाने के लिए, क्योंकि पैदल जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा बस जो है छूट जाता। तो लामडिंग टू मेरा हम लोग का जो लामडिंग का लोकल बस है जहाँ हमेशा आता है, तो हमें वो रोड में ही मिल गया था। तो उसकी वजह से हम लोगों ने फिर जो हम लोगों ने धमाधम जाने के बाद हमें वो जो बस मिला, उस बस में हम लोगों ने फिर से मतलब बस जो मिला उसके बाद हमें सीट भी नहीं मिली, एकदम पीछे सीट मिला, जहाँ पर इतना ज़्यादा झरकन होता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती इतना ज़्यादा झरकन होता है बस में। तो उसके बाद फिर से हम लोग क्या करें, हमें जाना तो था ही घर, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चले जाते हो बस में। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हम लोगों ने टिकट कर लिया और हम लोग बस में चले गए। एकदम पीछे बैठे थे, मतलब इतना ज़्यादा झरकन था, इसके लिए मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक आइसक्रीम खाते खाते चली जाऊँ, मैंने एक आइसक्रीम ले लिया और उसके बाद मैं सोच रही थी खाते खाते चली जाऊँ। एक अंकल बैठे थे फ्रंट मतलब जो खिड़की के सामने सीट में, मैंने कहा प्लीज़ आप इधर बैठ जाइए, मैं इधर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे खिड़की के सामने बैठना था, मुझे वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट करना था। तो मैंने बहुत बार पूछा मैंने उससे कि आप आइसक्रीम खाओगे, उन्हें भी बोले नहीं खाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने आइसक्रीम खाया, उसके बाद मैं सोच रही थी क्यों ना चलो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट किया तो आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बहुत बड़ा हेडेक फुल दिन था आज, बहुत बड़ी हेडेक फुल दिन था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा जर्नी था, मैंने बहुत ज़्यादा जर्नी किया था। आज फिर से मुझे लंका जाना पड़ेगा क्योंकि काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सीधा लामडिंग पहुँचनी हो और आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग तब तक सफ़र एंजॉय कीजिए। ना 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 ना